पापा जी हाँ बेटा पापा जी रुको बेटा क्या कर रही है पापा जी एक मिनट बात तो सुनो मेरी भाई मैं लेट हो रहा बेटा ऑफिस जाना मेरे को कहाँ जा रहे पापा जी ऑफिस जाना बेटा पापा जी एक मिनट बात सुनो मेरी हाँ बोलो क्या काम आपने आलू लिया बेटा आलू क्या करूँ मैं पापा जी बहुत जरूरी है भाई माफ कर मैंने बेरात्री मान जी टोने टोकते सिखा रखे थे चलेंगे इसको अपनी गाड़ी में रख लो पापा जी बहुत जरूरी चीज है बेटा माफ नहीं करते मैंने पापा जी आपको पता बारिश का मौसम हो रखा है ये बहुत जरूरी है बारिश के मौसम में आपके लिए हाँ मौसम तो बारिश का हो रहा है बेटा पर इसका क्या इसका क्या फायदा पापा जी बारिश के मौसम में ना हर इंसान के पास गाड़ी में एक आलू होना बहुत जरूरी है क्यों भाई पापा जी इसका बहुत बड़ा रीजन है अच्छा इसमें चूहे घुस रहे हैं मेरी गाड़ी में नहीं पापा जी तो फिर क्या करूं इसमें चूहे साथ कोई लेना देना है नहीं पापा जी पापा जी आपको देखो बताता हूँ अभी एक आलू एक इंसान के लिए गाड़ी में रखना कितना इम्पोर्टेंट है बारिश के मौसम में आप मेरे साथ आइए पापा जी क्या बताऊँ पापा जी देखो पापा जी मेरा नहीं छोरी क्या करके दिखाओगी भाई पापा जी देखो मैं गाड़ी के ऊपर पहले पूरे शीशे के ऊपर पानी डालता हूँ अच्छा आप ध्यान से देखना पापा जी मैं आपको आज एक न्यू एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ जो सभी के लिए बहुत जरूरी है अरे मैंने पूरे शीशे को पापा जी जैसे अच्छे से गीला कर लिया है अच्छा। अभी ये आलू है मैं इसको कट करता हूँ अच्छे से अच्छा मैंने आलू को कट किया है अच्छा। और मैं आलू को अच्छे से आधे शीशे पे रगड़ूंगा अच्छा। अभी आप देखो प्रेस करेंगे हम अच्छे से आलू को और अच्छे से हम पूरे शीशे पे आधे शीशे पे रगड़ेंगे देखो ठीक है तो इससे क्या फर्क पड़ा बेटा पापा जी आपको फर्क तो अभी मैं दिखाऊंगा इससे क्या पड़ेगा अच्छा अभी आप देखना आलू रगड़ने से क्या डिफरेंस होगा शीशे पे अब देखो मैंने अच्छे से पापा जी आप प्रेस कीजिए मेरा हाथ धुल जा रहा है आप अच्छे से प्रेस कीजिए पापा जी अच्छे से प्रेस कीजिए आधे शीशे पे लेमन आधे लगा दिया बेटा ठीक है पापा जी तो अब आप एक बार एक मिनट हो जाओ ये आधे पे पूरे अच्छे से आलू को प्रेस पापा जी रखो अब आप देखो मैं शीशे को वॉश कर रहा हूँ अच्छा मैं पूरे शीशे को वॉश कर रहा हूँ पापा जी रुको छोटो को पकड़ो उसको लहियो ये पूरा शीशा पे मैंने इसको प्रेस कर दिया अब देखो बताओ अभी आप पापा जी ए बार रुको आप वॉश कर लिया आपने पूरे शीशे को हाँ। अभी आप देखना एक मिनट हाँ। अभी आप उसमें और इस शीशे में आप अंतर देखना उस शीशे पे पानी की बूंदे ठहर रही है हाँ। लेकिन इस शीशे पे पानी बूंदे नहीं है उसका कारण क्या है तो क्योंकि यहाँ पे मैंने आलू से रगड़ा है और जहाँ पे मैंने आलू से रगड़ा है वो एरिया का वाटर बिल्कुल नीचे स्लिप कर गया लेकिन वहां का पानी देखो आप शीशे पर गया जिसके कारण बारिश में पापा जी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं आपको पता होगा वहीं पर भी कई बार चलते रहते हैं लेकिन पानी ठहरता रहता है जिसके कारण कई बार आमने सामने से आने वाले वाहन टकरा जाते हैं लेकिन पापा जी अब आप देखिए इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं है शायद मेरे अकॉर्डिंग अब पानी गिरेगा और नीचे डाउन हो जाएगा वहीं पर की भी कम आवश्यकता पड़ेगी तो पापा जी इससे हमें क्या शिक्षा मिली आपको आप मुझे बताइए भाई शिक्षा तो सुनो भाई देखो भाई ये वास्तविक में मुझे नहीं पता था आज मेरी बेटिया ने मुझे बताया है तो ये जो पानी बारिश में जो बारिश आती है तो हम गाड़ी चलाते हो तो बहुत जो है ना ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है और सामने से जो व्हीकल आते हैं पता भी नहीं लगता जब मैं तो खुद सच बताऊं अगर मैं बारिश में गाड़ी चलाता हूँ वाइपर ऐसे चलते तो मैं ऐसी गाड़ी ऐसे करके चलाता हूँ कहीं गिर ना जाऊं कहीं पड़ ना जाऊं कहीं गाड़ी ना बैठ जाए आगे से तो देखो कति बिल्कुल क्लियर साफ दिखने लगा इधर जो है ना इस पानी में इस हिस्से में इस मंत्र देख लो बहुत ज्यादा अंतर है देखो भाई तरीके से हमने आलू रगड़ा उस हिस्से में और जहां पर आलू नहीं रगड़ा उस जगह में कितना अंतर है तो दोस्तों मैं आप लोगों से भी यही प्रार्थना करता हूं कि बारिश का मौसम है जब भी आप घर से अपना वाहन लेकर निकलते हो तो एक आलू अपनी गाड़ी में जरूर रखें जहां भी आपको लगे बारिश आ गई तो अपने जो आलू को काटो बीच से और ऐसे प्रेस कर दो जैसे कि बेटिया ने बताया तो ये सबके लिए फायदेमंद है एक आदमी के नहीं लिए आम आदमी तक ये बात जानी चाहिए और मैं आशा करता हूं आप लोगों से अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आम आदमी तक यह वीडियो पहुंच जाए तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो हमारे पेज को लाइक शेयर या सब्सक्राइब जरूर कर देना कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं तो दोस्तों सावधान रहें सतर्क रहें जय हिंद दोस्तों।